अगला प्रश्न है, माला करते समय जाप में मन नहीं लगता और चाहते हैं कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो, ये प्रश्न सबका है और इसका उत्तर ये है, मन नहीं लगता तो ना लगे, भाड़ में जाने दो मन को, बस जीभ से नाम जाप करते रहो, बस पापों से बचते हुए कर्तव्य पालन करते हुए भगवत प्रीत्यर्थ नाम का जाप करते रहो, बस मन को जाने दो चूल्हे में, जहां जाए भाड़ में जाए, बस जीभ नाम जाप करते रहे। अब आप ये नहीं कहना ये कैसा भजन, कबीर तो कहते हैं माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिशी फिरे है तो सुमिरन, लेकिन ये सुमिरन की बात कबीरदास कह रहे हैं, जप की नहीं कह रहे हैं। तीन तरह से जप होता है, एक मानसिक जप जिसको बोलते हैं सुमिरन, तो मानसिक जप, एक होता उपांशु जप, एक होता वाचिक जप। और इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ जप है उपांशु, ना मानसिक ना वाचिक। वाचिक जप किसको कहते सुनो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो बोल बोल के करना है इसको बोलते हैं वाचिक। और उपांशु किसको बोलते हैं, हरे राम हरे राम 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 कृष्ण 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 कृष्ण, समझ गए ना, होठ जीव हिल रहे हैं लेकिन आवाज इतनी कम आवाज आ रही है कि बगल वाले को भी सुनाई नहीं दे रही, जीव होठ हिल रहे हैं लेकिन जुबान आवाज नहीं, साइलेंट, लेकिन हल्की हल्की श्वासों जैसी हल्की हल्की सी आवाज, जिसको खुसर पुसर बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपांशु जप। और मानसिक जप किसको बोलते हैं, होठ जीव बंद ना आवाज है, होठ जीव बंद और मनी मन, तो मनी मन जो है मानसिक जप, इसी को कहते हैं सुमिरन। तो सुमिरन की परिभाषा क्या है, ना होठ हिले ना जीव हिले ना आवाज आए, यह है मानसिक। उसमें मन कहीं और नहीं होता, मन नाम जप में होता है या भगवान में होता है। अगर हम जप तो कर रहे हैं लेकिन मन हमारा कहीं और है तो इसको मानसिक जाप नहीं कहते, इसको क्या कहेंगे, उपांशु जाप। तो कबीर दास ने जो दोहा लिखा हो तो सुमिरन का दोहा लिखा है, उपांशु जाप के बारे में नहीं लिखा है। तो सुमरे में तो ये बात ठीक है, इसको सुमिरन नहीं कहते, लेकिन हम तो सुमिरन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो मन की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे मन जाए भाड़ में तो जाए। माला यदि कर्मे फिरे और जीव फिरे मुख माही, मनवा चाहे कहीं फिरे फिर भी यमपुर नाही। फिर दोबारा सुनो, माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख माही और मनवा चाहे कहीं फिरे फिर भी यमपुर नहीं। प्रमाण कि बिना मन के नाम जप कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या कि इससे उद्धार हो जाएगा। प्रमाण आप लोग जानते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। अजामिल जब मरने लगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रश्न को ठीक तरह समझना, ये जो प्रश्न मैं उत्तर कर रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे उत्तर देंगे, फिर गलत ना उत्तर दे देना, पहले प्रश्न को ठीक समझो। अब मेरा प्रश्न है, मरने लगा जब अजामिल पापी, उसका मन कहाँ था, है बेटे में था, बिल्कुल आपने ठीक उत्तर दिया, वो गलत बोल रहे हैं, नारायण में मन नहीं था, ना भगवान के नाम में कोई मन था, मन था बेटे में। किसको पुकार रहे थे, नारायण को या अपने बेटे को, बेटे को, तो मन कहां था, बेटे में। और जीव पर क्या था, नारायण, जो कि उसके बेटे का नाम था। अब ये सुमिरन नहीं है, सुमिरन तो उसको कहता है कि भगवान में भगवान के नाम में मन रही, ये सुमिरन है। अब मन जा रहा है बेटे में और जीव पर है नारायण नाम, और पुकार भी बेटे को रहा, बोलो भगवान के पार्षद को गलत फहमी हो गई, इसलिए आ गए थे, क्यों आए थे, गलती हो गई थी, गलती से आ गए थे भगवान के पार्षद, क्यों यमदूतों को पीट के भगा दिया, वो तो सुमिरन तो नहीं कर रहे थे।
इसका मतलब ये है मन बेटे में जाए तो जाए, लेकिन जीव पर नारायण नाम आना चाहिए। यही यही सिद्ध हुआ ना इस कथा से, या तो फिर भागवत झूठी है। इसलिए मेरी माँ तो जो प्रश्न आया है कि मन नहीं लगता माला करने में, ना लगे भाड़ में जाए मन, जहां लगे इसको लगने दो, तुम अपना काम करो, बस भजन करो। अच्छा, तुम्हारा मन नाम में लगेगा तभी नाम काम करेगा, अगर मन नहीं लगा कहीं और चला गया फिर नाम जब काम नहीं करेगा तो वो बात हो गई। अब अग्नि को तुम बिना मन के छुओ, मन गया कहीं और अग्नि छू गई, बोलो अग्नि काम नहीं करेगी? मैं नहीं काम करूंगी बेमन से छुआ, इसका क्या फायदा बेमन से कर रहे हो? बेमन से बिजली की तार छू गई तो बिजली क्या कहेगी? ना मैं नहीं काम करूंगी, तो बेमन से मन भी यहीं लगा तब करंट मारूंगे, मन तो तेरा बेटे में जा रहा है, बोलो। इसका मतलब है जो वस्तु का जो गुण है ना, वस्तु की जो पावर है बिजली की आग की, वो जो पावर है वो तो अपना काम करेगी, चाहे तुम भाव से छुओ चाहे बिना भाव के। इसी प्रकार जैसे बिजली की अपनी पावर है, अग्नि की अपनी पावर है, तो भगवान के नाम की कितनी पावर है। बिजली तो बल्कि प्रतिकूल भी असर कर सकती है, अनुकूल भी कर सकती है। अगर गीजर में पानी गर्म करती है तुम्हारे नहाने के लिए, तो तुम्हारे तुमको मार भी सकते, तुम्हारा अंतिम स्नान भी करा सकते, करंट लग गया था। आग अगर तुम्हारे लिए भोजन बना रही है तो तुमको जला भी सकती है, तो ये तो हानि लाभ दोनों कर सकती है। लेकिन भगवान के नाम में जो पावर है, लाभ ही लाभ की पावर है, हानि की तो वहां कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए मन नहीं लगता न सही, बस नाम जाप करो। जब अग्नि अपना पावर काम करती है, चाहे मन से चाहे बेमन से छुओ, तो जो भगवान के नाम की पावर है वो तो अपना काम करेगी, चाहे मन से लो चाहे बेमन से लो। जो नाम जप करते हैं भले मन उनका कहीं जा रहा है, उनको नाम में श्रद्धा तो है ही, तभी तो जप कर रहे हैं, विश्वास भी है तभी जप कर रहे हैं, श्रद्धा भी है, ज्यादा नहीं तो कम सही, कुछ तो श्रद्धा है ही है, तभी तो भजन कर रहे हैं। मन कहीं भी क्यों ना जा रहा हो, लेकिन श्रद्धा तो लगी है ना नाम में, थोड़ा सा छू लिया हमारे मन ने, मन में तो श्रद्धा होती है। तो बिजली की तार को चाहे पूरा छू लो चाहे थोड़ा सा छू लो, करंट पूरा फेंकती है। तो भगवान के नाम को मन से लो चाहे बेमन से लो, नाम अपना काम करेगा, भजन अपना काम करेगा।